हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एचपीवी इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या वो कैसे मैनिफेस्ट करता है। एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एचपीवी वैक्सीन यूज करते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एचपीवी वैक्सीन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ में ये भी बताऊंगी कि एचपीवी वैक्सीन कितने टाइप्स की होती है, इसको कैसे दे सकते हैं या फिर इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक फॉलो जरूर करिए। एचपीवी को प्रिवेंट करने के लिए एचपीवी वैक्सीन ही एक ओनली फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन है, इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो एचपीवी वैक्सीन है वो 3 टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले बाइवेलेंट, सेकेंडली क्वाड्रीवेलेंट एंड थर्डली नोनावेलेंट वैक्सीन। जो बाइवेलेंट वैक्सीन है वो 2 HPV टाइप से प्रिवेंट करती है, 16 और 18। जो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है वो 4 HPV के टाइप से प्रिवेंट करती है, 6, 11, 16 और 18। और जो नोनावेलेंट वैक्सीन है वो 9 HPV टाइप से प्रिवेंट करती है सर्वाइकल कैंसर को। फिर बात करते हैं कि वैक्सीन किन किन लोगों को देनी है। सबसे पहले वैक्सीन 9 से 14 ईयर्स की लड़कियों को देनी होती है, लेकिन 15 से 45 ईयर्स तक की एज तक भी वैक्सीन दी जा सकती है एज पर कंडीशंस। हम लोग एसेस करते हैं कि किसको वैक्सीन देनी है और किसको नहीं देनी है, उस अकॉर्डिंग वैक्सीन दे सकते हैं। साथ ही साथ में मेल्स को भी वैक्सीन दे सकते हैं। वैक्सीन 0.5 ml डोज है उसकी, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है, या तो डेल्टॉइड पे आप लगा सकते हैं या फिर एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगा सकते हैं। वैक्सीन आपको कब देनी है? लेस देन 15 ईयर्स में 2 डोजेस देनी होती हैं। फर्स्ट डोज 0 मंथ पे और सेकेंड डोज या तो 6 मंथ पे दे सकते हैं या फिर 12th मंथ पे दे सकते हैं, डिपेंड करता है। और अगर लेकिन 15 ईयर से ज्यादा एज है तो 3 डोजेस शेड्यूल यूज करते हैं, 0 मंथ, 1 to 2 मंथ और 6 to 12 मंथ वाला। अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जिसमें कि आपको वैक्सीन देनी है या फिर जिसमें आप वैक्सीन दे सकते हैं। किसी भी पेशेंट में अगर एबनॉर्मल पैप स्मेयर है या फिर एबनॉर्मल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है तो भी आप वैक्सीन दे सकते हैं। उस केसेस में ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो आपको नहीं देनी है, उस केस में आप वैक्सीन दे सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में वैक्सीन का सेम शेड्यूल रहेगा। जो लैक्टेटिंग वुमेन होंगी उसमें भी वैक्सीन का सेम शेड्यूल रहेगा, मतलब कि लैक्टेटिंग में आप वैक्सीन दे सकते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं देनी है। अगर किसी भी पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है तो आप वैक्सीन दे सकते हैं सेम शेड्यूल से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपको वैक्सीन कब नहीं देनी है। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है ईस से तो वैक्सीन नहीं देनी है, या फिर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रही है जैसे कि खुजली हो रही है, सूजन आ रही है, तो उनको वैक्सीन नहीं देनी है। साथ ही साथ में अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, कोई भी एक्यूट इलनेस है, तो भी वैक्सीन नहीं देनी है। और प्रेगनेंसी में तो वैक्सीन एकदम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो प्रेगनेंसी में आपको वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं देनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वैक्सीन कितने देर तक प्रिवेंट करेगी। ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है, तो ये चीज याद रखनी है कि वैक्सीन लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। अब इसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी वजह से हर किसी में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। किसी को रेडनेस हो जाती है, किसी को थोड़ा बहुत स्वेलिंग हो सकती है, किसी को खुजली होने लगती है, किसी को पेन होने लगता है, किसी को जोड़ों में दर्द हो जाता है, किसी को हाथ में दर्द हो गया, किसी को हेडेक हो गया, किसी को फीवर हो गया, तो सबको अलग अलग साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लड़कों को भी वैक्सीन दी जा सकती है, तो इसका आंसर है यस, बॉयज कैन बी वैक्सीनेटेड, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन एचपीवी इन्फेक्शन से बॉयज को भी प्रिवेंट करती है, तो इसलिए उनको भी वैक्सीन दी जा सकती है। अब सर्वाइकल कैंसर को आप और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर्स जो हैं उनको रिड्यूस करना है। कंडोम का यूज करें, टोबैको और स्मोकिंग का अब्यूज एकदम बंद कर दें। साथ ही साथ में
जो भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, उनको अर्ली डायग्नोस करें एंड ट्रीट करें। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि सर्वाइकल कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी HPV वैक्सीन के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।